एक सिट्रस है टैलेंट एजेंसी है वो कमर्शियल्स की हद तक है ड्रामो के लिए कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो जहाँ पे आप जाके अपना ऑडिशन दें फिर वो आपको पूरे हॉलीवुड के अंदर जो है वो आपकी एजेंसीज़ काम करती हैं। आप कोई एक्टर वहां पे जाके नहीं बैठा हुआ था।

की मदद कर दो नहीं जी, एक कल्चर होता है एक हर इंडस्ट्री का ना एक कल्चर होता है उस कल्चर को आप नहीं कर सकते नहीं कर यहां सकते नहीं है वो कल्चर हमारा वो कल्चर नहीं है हमारा वही कल्चर है कि आप आ जाएं आप बैठे आपको एक एडी आएगा एक आपका स्क्रिप्ट देगा बोलेगा जल्दी से ये याद कर लो वो भाई आ रहे हैं वो सुनेंगे okay. फिर डायरेक्टर आएंगे वो आपसे सुनेंगे करके दिखाएं जी करके दिखाएंगे उनको पसंद आया तो नहीं बोलेंगे नहीं यार न्यू फ्रेश टैलेंट पे नहीं लेना कोई ऐसा लड़का लेकर आओ जिसने पहले काम किया हुआ मुझे mm. मुझे टाइम नहीं इन्वेस्ट करना मेरे पास इतना टाइम नहीं है मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिस जिसने पहले से काम किया हुआ कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं है कोई नए लोगों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है सेट पर इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि कहते हैं कि जी मैंने फलाना मैंने ये किया हुआ है मैंने वो किया हुआ सेट पर जाते हैं तो वो

शो जो था वो ऑर्गेनाइज़ हो रहा था तो उन्होंने मुझे कुर्सी भी नहीं दी उन्होंने मुझे घास से बैठा दिया नीचे ग्रास पे मैं वहाँ घास से बैठा हुआ ग्रास में और चलो कोई बात नहीं खैर है बट होता है मुझे पता था कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं बाकी दूसरे जो एक्टर्स थे मैं नाम नहीं लूगा वो सब कुर्सी कुर्सी पर बैठे हुए थे चेयर्स पर तो मुझे बड़ा मैं नीचे मैं नीचे बैठ गया नहीं, नहीं मैं नहीं करता। नहीं। अच्छा। नहीं। मैं काम नीचे गया। okay. मैं नीचे बैठ बैठ गया गया और नीचे बैठने के बाद उसके बाद उसको बोला मुझे पानी पिला दो यार ये एक्टर्स के लिए है आपको अगर पानी पीना है तो वो सामने चले जाए कूलर एक लगा हुआ वहाँ से आप पी के आ जाए मैंने गाड़ी की चाबी उठाई फोन उठाया मैं मुझे तो ये काम ही नहीं करना घर आके मैंने बोला मुझे नहीं करना ये काम इंसल्ट हो गई और मतलब हमारे पास मतलब ऐसा कोई सीन नहीं था अच्छे मतलब, हाँ। तो मतलब, था मुझे बंदा घटे पानी के ऊपर तो मैंने बोला मुझे काम ही नहीं करना ये मैं छोड़ा फील्ड मुझे नहीं करना काम फिर अबू ने समझा के कोई बात नहीं होता है कहानियाँ सुनाई दूसरे लोगों की वो पता नहीं सचती छोड़ती मैं इंस्पायर हो गया मैं

इन्वॉल्व होते हैं ठीक hmm. है लोगों को नहीं पता होता कि कितने क्या क्या yeah. चीज़ें इन्वॉल्व हैं पीछे तो कोई भी प्रोड्यूसर अपने इतने कैपिटल्स को इस तरीके से जो है वो एक नए फेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी नहीं होगा okay. कोई भी प्रोड्यूसर hmm. और चैनल भी नहीं जाएगा चैनल भी नहीं चाहेगा क्योंकि चैनल परचेज कर रहा है yeah. वो प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर जिसको हम सॉफ्टवेयर जिसको हम ड्रामा कहते हैं वो ड्रामा चैनल परचेज कर रहा होता है

कि क्या करें क्या मैं नए लोगों क्या? को एडवाइस ये दूंगा कि आ, अपने आप पे काम करें अपने आप को बेहतर करें और खुद ही को इतना बुलंद करें कि हर तकदीर से पहले क्या है? खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है मतलब ये आप अपने आप को इतना बेहतर करें कि आप ख़ुद ब खुद जो है वो लोग आप को कास्ट करने पर मजबूर हो जाए तो जब पहला ड्रामा आपको मिला और शूट करने गए कैमरे को फेस किया डर लग रहा था घबराहट हो रही थी डर क्या लग रहा था शुरू शुरू में पहला ड्रामा तो मैंने बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए हुए मतलब हाँ। आ, इतने छोटे कैरेक्टर्स किए हुए थे कि अक्सर दो सीन्स होते थे तीन सीन्स होते थे प्रोजेक्ट में और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि अच्छा पी में अगर किसी एक्सपीरियंस रहा हो पी का तो पी में ही होता है कि अगर आपका एक सीन है या आपके छः सीन है आपको सुबह नौ बजे आना है अच्छा के रखेंगे आपको सुबह नौ है। और हमारे भी बहुत सारे जो एडीज वगैरह हैं वो भी ये काम करते हैं और मैं अगर मैं सेट पे हूँ और किसी एडी ने किसी दूसरे एक्टर के साथ ये किया मैं सेट छोड़ के चला जाता हूँ अगर मेरे साथ भी नहीं किसी और के साथ किया क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजरा हुआ मुझे पता है कितना पेनफुल है अगर आपका एक सीन है हाँ। और आपको पता है कि यार इसका नाइट में सीन है तो आप उनको पाँच बजे का टाइम दो आप उनको चार बजे का टाइम दे रहे हो। आप उनको सुबह नौ बजे बुला रहे हो नौ बजे बुला के आपने उस बंदे को बिठा दिया उस एक्टर को अब वो बैठा हुआ है मेरे साथ एक दफा हुआ कि दो सीन्स थे मेरे तो नाइट के सीन्स थे सुबह नौ बजे बुलाया मुझे नौ बजे बुला के मैं बैठा हुआ पूरी पूरा दिन गुजर गया रात हो गई दस बजे उन्होंने मुझे बोला सॉरी आज आपका नहीं है आपका कल है मैं आ गया घर अगले दिन फिर मुझे सुबह नौ बजे बुलाया फिर मैं पूरे दिन बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा फिर नौ बजे जाके एक छोटा सा सीन था जो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपका सीन है ये आप बोल के बस आप गई है वो फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स के अंदर गए क्योंकि तीन कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे और मैं चला गया और मैं दो दिन में तकरीबन तो कोई ट्वेंटी uh, आवर्स सिर्फ मैं वहाँ बैठा हूँ बीस घंटे बाईस घंटे बैठा हूँ उसको गुस्सा दिल में आता तो होगा क्या बकवास है यार जब आप जब आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाहते हैं चाहते हूं मतलब किसी चीज को आपको मतलब क्रेज हो ना किसी चीज का मतलब पैशन होता है जब आपका तो वो पैशन के लिए आप पैशन क्या कहते हैं दीवानगी जुनून है इस बंदे को यार इस काम का पैशन है पैशनेट बंदा है ये तो उसमें फिर आप फिर ये सब चीजें साइड में हो रही होती हैं उस वक्त नहीं, नहीं पता लग रहा होता है बाद में जाके अंदाजा होता है कि यार तो हमारे साथ क्या जाती हुई है व्हाट डू यू लव अबाउट एक्टिंग क्या चीज़ है एक्टिंग में क्या आई लव प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स और हर कैरेक्टर को विजुलाइज करना और हर को, uh, बनाना, हर कैरेक्टर कैरेक्टर को को बनाना डिफरेंट तरीके से बनाना वो मुझे hmm. बड़ा पसंद है hmm. और uh, जो काम मैं जिंदगी में नहीं कर सका <laughs> या जो कैरेक्टर्स <laughs> में जिंदगी में जो आप हर इंसान like के में दिल में है जो ना है जो ना एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो वो बनना चाहता है जो वो खुद नहीं होता ठीक है हर इंसान के दिल में होता है कोई कुछ कुछ चाहता है हर रात में आप जब आप सोच रहे होते हो ना जब आप सोने से पहले आपको एक, 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 एक एक थॉट आता है कि यार अगर मैं ये नहीं होता तो मैं ये होता तो मेरी क्या लाइफ होती तो वो आपको ड्रामे में करने का मौका मिल जाता, मिल जाता है।, है। आपको पुलिस का भी कैरेक्टर मिल जाता है आपको जो है वो डॉक्टर भी बन जाते हैं आप आप इंजीनियर भी बन जाते हैं सब बन रहे होते हैं आप ड्रामे के हद तक True. तो वो आपको मतलब उस कैरेक्टर को आपको जीने का मौका मिल जाता है कब रियलाइज हुआ कि यार अब तो लोग मुझे पहचानते हैं मैं थोड़ा फेमस हो गया हूँ क्या कोई हुआ ये हिट किया कि सबसे ज्यादा मज़ा आता है फ़ेमस जब शुरू शुरू में आप हो रहे होते हैं ना जब आपको शुरू शुरू में लोग पहचान रहे हाँ। होते हैं तो जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ और दोस्तों के साथ मैं कहीं जाता था बाहर खाना खाने डाइन आउट करने तो स्कूल कॉलेज uh, की लड़कियाँ हाँ जो है ना वो बड़ी बड़े ड्रामे देखती हैं वो जब आपको मिलती थी आप दोस्तों के साथ होते थे तो वो आप चार आप दोस्त बैठे हुए हैं मेरे पास या कोई लड़की आई थी चार मिलने के लिए और वो जब जाती थी, थी तो उसके बाद जो आप दोस्तों में हो जाते थे ना यू यूं, यूं। कि यार हाँ, हाँ। यार, चला चला। वो जो एक फील है ना दोस्तों के अंदर जो हाँ। आपको एक ऐसे आप यूं हो जाते हैं हाँ। यार हाँ यार ये फैंस हैं मेरे साथ हैं बस क्या करें आपको तो पता है <laughs> तो वो फील शुरू शुरू में आपको वो बहुत मजा आता है उस can चीज़ can उस चीज आहिस्ता आहिस्ता फिर दोस्तों को भी पता चल जाता है उनको भी आदत हो जाती है मतलब अब ऐसा टाइम है कि मेरे दोस्त मुझे बोल रहे होते हैं कि यार ये हमारी एक फलानी मुंह मतलब शुरू शुरू में मजा आता है उस चीज़ का शुरू शुरू में बहुत मजा आता है